साथियों स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ही सेशन। जो भी साथी अभी तक आ चुके हैं जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों यहां पर अपन बहुत सारी चीजों को यहां पर पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, तो आप दोस्तों ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को अभी तक कोर्स नहीं लिया दोस्तों आपने, तो आप कोर्स जरूर ले लें, ठीक है। आप इस 9098692991 इस नंबर पर संपर्क करें और दोस्तों नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं। एक सप्ताह में आपके घर ये नोट्स भिजवाए जाएंगे, ठीक है। तो जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, आरपीएससी नेट आदि एग्जामों के लिए दोस्तों, ठीक है, मास्टर कैडर एग्जाम के लिए हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। और जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये पंजाब मास्टर कैडर की बात करें तो ये पंजाब मास्टर कैडर के मॉडल पेपर लॉन्च किए गए हैं। ये मॉडल पेपर में दोस्तों आप एडमिशन ले सकते हैं। 30 मॉडल पेपर, 4500 क्वेश्चन प्लस 2000 एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो कुल मिला के 6500 प्रश्नों का यहां पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगी। साथ ही 4500 क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं, ऑफर चल रहा है दोस्तों, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से, ठीक है। अभी ऑफर है 1200 में 12 महीने दोस्तों आप पढ़ सकते हो, निरंतर अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास अपनी रोज 9 बजे होती है। आपका पहला प्रश्न यहां पर आ गया है कि कौरवी भाषा का उदय किस से हुआ है, बताओ जल्दी से फटाक से एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करो ताकि इंफॉर्मेशन आपके घर तक पहुंचे, आपके मोबाइल तक पहुंचे, ठीक है। सुनील कुमार जी, निशा वर्मा जी, बबीता देवी जी, जल्दी से बताइए कौरवी भाषा का जो उदय माना जाता है वो किससे माना जाता है, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, या फिर दोस्तों बताओ फटाफट से किससे माना जाता है। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दो, हमारे सभी साथी जितने भी आ चुके हैं लगभग सभी लोगों को पता है कि सर इस जो प्रश्न का उत्तर है कौरवी यानी कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, ठीक है। और इसको कौरवी नाम किसने दिया ये भी बताना है। और ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा से इसका उदय माना जाता है, किसका, कौरवी का। और अपन ने पढ़ा है कि कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, तो पश्चिमी हिंदी की एक ट्रिक भी अपन ने पढ़ी है, नोट्स में भी ऐसी ट्रिक समाहित की गई है, ठीक है। तो कौरवी भाषा का उदय पश्चिमी हिंदी से माना और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए है कि खड़ी बोली को जो कौरवी नाम दिया ये कौरवी नाम किसने दिया, बताइए। मंजू यादव जी, रोली सिंह जी, जल्दी से बताना है भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है, चयन करिए जल्दी से। कमलजीत जी, रीना मंडयाल जी, सोनी राय जी, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है हिंदी, फटाक से बताइए, जल्दी से लाइक करिए, फटाक से करिए जल्दी से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कौरवी के बारे में बताना है और कौरवी जो हिंदी जो है ये वियोगात्मक मानी जाती है, वियोगात्मक, ठीक है। तो आपका उत्तर एक की तरफ चला जाएगा, ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना है, क्वेश्चन है। ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना, ईसाइत की देन किसने माना है, ये क्वेश्चन बढ़िया सा आपसे पूछा गया है। और आपका देखते हैं उत्तर कहां जा रहा है, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन किसने माना, लाइक करना है। और सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर ग्रियर्सन ने माना भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर लगा है आपने, ये नंबर। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या माना जाता है, बताएं जल्दी से, सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नवोत्थान युग या फिर नवीन युग, बताओ। प्रियंका यादव जी, नोट्स किन किन साथियों को नोट्स मंगवाना है जल्दी से बताना है। और यहां पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का उत्तर है कि सर इसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल, यानी कि बी नंबर, जिनने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, भारतेंदु का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी है,
दुर्लभ बंधु है, विशस्य है, विश्वमौषधम है, या फिर दोस्तों विद्या सुंदर है। चयन करिए, पांच नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करना है, एक बार जल्दी से बताएं। नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, ठीक है। लवली माता रानी, बीनू जी जल्दी से बताओ, पांच नंबर का क्वेश्चन है, और ये भारतेंदु जी का राष्ट्रभक्ति परक नाटक कौन सा है, और बिल्कुल सही बताया है कि सर ये जो है ये विशस्य विश्वमौषधम है, और ये विशस्य विश्वमौषधम क्या है, विशस्य विश्वमौषधम क्या है, रूपक के भेद आपने पढ़े हैं, रूपक के कितने भेद होते हैं, 10, तो 10 भेदों में विशस्य विश्वमौषधम क्या माना जाता है, बताएं। सीताराम जी, लेट्स प्ले जी, जल्दी से बताना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, रचना काल भी बताना है आपको। बीनू सरोज जी, ज्योति शर्मा जी, फटाफट से बताएं, छह नंबर का क्वेश्चन है, लाइक करना है। संतोष कुमार जी, चयन करिए और एक बार शेयर भी कर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और एक बार जल्दी से लाइक कर दो, अपने मित्रों तक शेयर भी कर दो। छह नंबर का क्वेश्चन है, और छह नंबर के क्वेश्चन में आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर इंदुमती। रचना काल क्या है, 1900 ईस्वी, ठीक है। तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर आना है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें संकलित किए, अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी में, बताइए, स्मृति की रेखाएं। बाल गोविंद जी लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने मित्रों तक। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था, छायावाद के चार आधार स्तंभों में एक महादेवी वर्मा जी भी हैं, ठीक है। और सात नंबर का क्वेश्चन यहां पर जा रहा है, कहां जा रहा है कि सर पथ के साथी, बी नंबर, पथ के साथी, राइट, बिल्कुल सही है। जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है, लाली यादव जी, अनुपम जी, पंकज सिंह जी। प्रश्न क्रमांक आठ नंबर का क्वेश्चन है, और आठ में आपको सही है कि सर हम वृक्ष की जंजीरें और दीवारें बनाएंगे, काय की बनाना है, वृक्ष की दीवारें और जंजीरें बनाना है, तो जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। राइट आंसर है, हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक कौन माने जाते हैं। नौ नंबर का क्वेश्चन, किरण गुप्ता जी, बलजीत कुमार जी, ममता श्रीवास्तव जी, प्रश्न क्रमांक नौ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अभी बढ़िया ऑफर है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है, 10 अप्रैल तक ऑफर है, 1200 में 12 महीने तक, 10 अप्रैल तक है, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन ले लें, जिनको भी नोट्स मंगवाना अपने घर पर वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हिंदी में रिपोर्ताज विधा के जनक कौन माने जाते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, और नौ नंबर का क्वेश्चन है, और आपने बताया कि सर रिपोर्ताज विधा के जनक है शिवदान सिंह चौहान, जिनका रिपोर्ताज है कौन सा, बताइए जल्दी से कौन सा है। वाद विवाद संवाद ये किसकी रचना है, वाद विवाद संवाद ये किसकी रचना है, रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की, डॉक्टर नगेंद्र की, नंदुलारे वाजपेयी की, अमन जी बताइए, बताइए, रंजीत जी, कौर जी। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने दोस्तों ये नोट्स मंगवा लिए हैं और उनके घर भी पहुंच गए हैं, कितने साथी हैं यहां पर जिनके नोट्स घर तक पहुंच गए हैं, जल्दी से बताइए कितने साथियों के नोट्स घर तक पहुंच गए हैं। बाकी के सभी साथियों के लिए बताइए नोट्स किस प्रकार के हैं, ये भी आपको बताना है, बताओ आपने नोट्स मंगवाए और आपको नोट्स कैसे लगे, ये भी आपको कमेंट में बताना है बाकी के सभी साथियों को, ठीक है। वाद विवाद संवाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 का आपका राइट आंसर है कि सर वाद विवाद काय के लिए करते हैं, वाद विवाद लोग नाम के लिए, बोले मेरा नाम बोल दो सर, मेरा नाम बोल दो, तो वाद विवाद करते हैं ना नाम के लिए, तो नामवर से बिल्कुल सही है। कौन सी लिपि प्राचीन भारत में दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, वो लिपि कौन सी है, ये आपको बताना है। ब्राह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, खरोष्ठी लिपि, या फिर नंद नागरी लिपि, कौन सी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी प्राचीन भारत में। वीरेंद्र प्रजापति जी सभी लोग बताएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, बताइए चंचल जी,
लखविंदर कौर जी प्रश्न क्रमांक 11 में आपको राइट चयन करना है। पूर्वी जी डॉक्टर रिंकी जी 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपको पता है क्वेश्चन कई बार आया कि जो खरोष्ठी है दोस्तों ये अपन अभी क्या लिखते देवनागरी को बाएं से दाईं ओर लिखते हैं लेकिन खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी यानी कि इस ओर से इस ओर लिखी जाती थी। ठीक है तो यहां पर आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही चला गया। ठीक है सी नंबर हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है ये आपको बताना है ये आपको चयन करना है। बताइए विजय चौहान जी बीनू सरोज जी कुमकुम यादव जी 12 नंबर का क्वेश्चन हिंदी गद्य की प्राचीनतम रचना कौन सी है एक अच्छा क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर जा रहा है कि सर हिंदी गद्य की प्राचीनतम जो रचना मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है। बताएं ज्ञानेश जी क्या हो जाएगा नीतू जी ऑल इन वन बताओ 12 नंबर का क्वेश्चन और उत्तर है चंद छंद वर्णन की महिमा। ठीक है डी नंबर लगा दिया आपने बिल्कुल सही आंसर आ गया डी नंबर। ठीक है वंदना यादव जी है ना बिल्कुल सही बताया लेकिन यह भी बताना है आपको कि इसकी रचनाकार कौन है चंद छंद वर्णन की महिमा ये रचना किसकी है प्राचीनतम गद्य की रचना मानी जाती है और हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया ऐसी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। कमला कांत जी विजय जी उदय यादव जी बताएं राम राम जी गौरी जी बताएं प्रश्न क्रमांक 13 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो नीचे लिंक भी दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है बिल्कुल दोस्तों एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएससी या फिर टीजीटी पीजीटी या मास्टर कैडर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर अध्ययन करते रहे और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट 10 अप्रैल तक ऑफर है 1200 में 12 महीने का। ठीक है 1200 में 12 महीने और दोस्तों न्यू का पत्थर 13 नंबर का क्वेश्चन और 13 नंबर का क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इसको क्या कहा जाता है न्यू का पत्थर। ठीक है इसके रचनाकार कौन है ग्रियर्सन रचना काल क्या है जल्दी से बताइए फटाफट से बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया बलजीत जी बता रहे हैं कि सर बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं तो यहां पर बताना है कि जो किसी एक बुक में नहीं मिलेंगे किसी पांच बुक में नहीं मिलेंगे है ना ऐसी कई पुस्तकों का एक संकलन करके वो बनाया गया और पूरा बढ़िया तरीके से बनाया गया बीच बीच में ट्रिक भी जहां जैसी ट्रिक निकलती गई तो ट्रिक भी उसमें समाहित की गई है। ठीक है और बढ़िया तरीके से रचनाओं को क्रमबद्ध पेश किया गया एक एक कवियों का परिचय भी दिया गया। ठीक है ऐसे बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं जिनको आप अपने घर मंगवा सकते हैं एक सप्ताह के अंदर आपके घर वो नोट्स पहुंच जाएंगे। दोस्तों भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास आपको बताना है जल्दी से बताइए राइट आंसर। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा तो बोले सर स्वाभाविक विकास तो हजारों बार होता है स्वाभाविक विकास हजारों बार तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी बी नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है बी नंबर सही है। नेक्स्ट है स्वर्ग की विचार सभा का अधिवेशन निबंध कृति के लेखक कौन है स्वर्ग की विचार सभा बताओ का अधिवेशन ये बताना है एक बार और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी साथी। यहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और बिल्कुल लगभग सभी लोग सही बताएंगे यहां पर जल्दी जल्दी से बताइए और सभी लोगों ने बताया कि सर इसमें स्वर्ग की विचार सभा तो भारत में ही होगी यानी भारतेंदु। ठीक है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है कहानी के लेखक कौन है आपको ये भी बताना है कि आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है और उसके लेखक कौन है विकास भारती जी बताइए राइट आंसर क्या है यहां पर सही आंसर सभी लोग बताएं। स्वानू के एम जी स्वानू जी आपने नोट्स मंगवाए हैं कैसे लगे आपको नोट्स जल्दी से बताओ आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है और उसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ओम प्रकाश जी आपका राइट आंसर है कि सर माधव राव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी से सप्रे। शिवानी ठाकुर जी के नोट्स पहुंच गए हैं और लिख रहे हैं कि सर सभी बुक्स में क्यों खोजें अगर एक ही में मिल जाए इधर उधर क्यों भटकें जब सेल्फ स्टडी क्लासेस नोट में सब कुछ मिल जाए। बहुत बढ़िया शिवानी जी मतलब अच्छे लगे आपको नोट्स मजा आ रहा है पढ़ने में। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है
एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार है माधवराव सप्रे, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के लेखक कौन है? बताना है गोपाल राम गहमरी है, देवकी नंदन खत्री, लज्जा राम मेहता या फिर श्रद्धा राम फिल्लोरी। 17 नंबर का क्वेश्चन है हर्षिता मौर्य जी, जल्दी से आपको चयन करना है। ज्योति ज्योति जी बताइए 17 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर क्या है यहां पर, और उत्तर चला जाएगा स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। मैंने आपको कई बार अभी बताया है उपन्यास है, और इस उपन्यास के जो लेखक माने जाते हैं कि सर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, परतंत्र लक्ष्मी को परतंत्र बनाए हुए हो, लज्जा नहीं आती उमाशंकर जी, लज्जा नहीं आती, बोले सर लज्जा राम मेहता, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल राइट आंसर है। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में बताना है जगदीश जी सही आंसर यहां पर क्या है। 9 बजे रोज रात्रि क्लास होती है, पेड क्लासें रोज होती हैं शाम को 5 बजे से 5:40 तक, 6:30 से 7:10 तक, हर संडे को टेस्ट होता है। और दोस्तों अब हम एक व्याकरण का टेस्ट भी चालू कर रहे हैं कल सोमवार से आपको। दोस्तों अभी तक बहुत सारे व्याकरण, एक टेस्ट रोज आएगा, एक टेस्ट रोज आने वाला है किसी ना किसी प्रकार से। स्वानु जी लिख रहे हैं अच्छे हैं गुरु जी, अभी तक ऐसा नोट्स नहीं देखा, जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है, बहुत बढ़िया स्वानु जी। तो कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है ये आपको बताना है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, और 18 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर आपको बताना है कि सर ये मैला आंचल, मैला आंचल जो कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, इसके रचनाकार फणीसुनाथ रेणु हैं, जो कि हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है। अब जो मैला आंचल है ये बताना है कि किस गांव से संबंधित है, ये भी बताना है। कालीचरण ये इसका पात्र है, मैला आंचल का पात्र है दोस्तों, ठीक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सच्ची समालोचना शीर्षक से, सच्ची समालोचना शीर्षक से किस ग्रंथ की आलोचना की, किस ग्रंथ की आलोचना की है ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 का सभी साथी, जितने भी साथी हमारे पैड वाले साथी हैं, कुछ दिन के लिए आपके लिए दोस्तों हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल हर रोज एक टेस्ट मिलेगा, उसको भी आपको करना इसी 1200 वाले कोर्स में, ठीक है। अभी आपका हर संडे को टॉपिक वाइज टेस्ट होता है कि जितना सप्ताह भर में पढ़ाया जाता है वो आपको टेस्ट मिलता है, लेकिन एक बार रिवीजन टेस्ट होना है, रिवीजन टेस्ट होना है, तो सभी लोग तैयार रहें, ठीक है। रिवीजन टेस्ट के लिए तैयार रहें और रिवीजन टेस्ट सभी को लगाने हैं, रोज एक टेस्ट आएगा रिवीजन टेस्ट, सभी लोग उस टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर में बताना है कि सर संयोगिता स्वयंवर यानी कि डी नंबर, इसकी दोस्तों इन्होंने सच्ची समालोचना शीर्षक से है ना, तो ये आपका डी बिल्कुल सही है। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही बढ़िया, बाहुबली कटप्पा जी आ गए हैं। कुरु कुरु स्वाहा, जब हवन होता है दोस्तों तो आप मंत्र आदि पढ़े जाते हैं तो आप क्या करते हो, कुरु कुरु स्वाहा कैसे बोलते हो, बड़े जोश में बोलते हो, जोश में बोलते हो, तो इस उपन्यास के लेखक कौन माने जाएंगे बताइए, कौन माने जाएंगे बताएं। राहुल राज जी, कुरु कुरु स्वाहा, बोले सर हम बड़े जोश में बोलते हैं, जोश में बोलते हैं और बड़ा मनोहर मनोहर लगता है, मनोहारी दृश्य लगता है, तो मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा। सी नंबर, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा? 21 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा है प्रियंका जी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और एक बार लाइक करके शेयर जरूर किया करो, अपने मित्रों तक जरूर बता दिया करो कि 15 तारीख से सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको भी हिंदी साहित्य विस्तृत पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, ऑफर 10 तारीख तक है, 1200 में 12 महीने निरंतर अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ किसने कहा ये आपको बताना है। यहाँ 1200 में 12 महीने पढ़ने का मौका आपको मिल रहा है, और आप स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चे की फीस 1200 एक महीने की भर के आते हो, भर के आते हो कि नहीं आते हो, 1200 क्या ज्यादा भर के आते हो, ठीक है। और यहाँ आप अपने लिए इतना भी नहीं कर पाते कि हम 1200 में 12 महीने पढ़ने को मिला, आपको 5000-10000 फीस नहीं भर रही, दूसरी कोचिंग में जाओगे इतनी मस्त तरीके से भी नहीं पढ़ाया जाएगा, उठाएंगे किताब लिखवा देंगे आपको और बोले याद करते रहो, और यहाँ पर लिखने पर जोर नहीं दिया जाता, यहाँ पर तो क्लास में याद करने पर जोर दिया जाता है कि जितना पढ़ाया जाए
उसका 50% तो क्लास में ही याद होना चाहिए। ये यहां पर दोस्तों किया जाता है। तो यहां पर 21 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को, इनकी आत्मकथा चार भागों में दोस्तों प्रस्तुत है। हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छह रोमांस का कवि इन्हें कहा जाता है। माटी हो गई सोना रेखा चित्र के लेखक कौन है, जल्दी से आपको चयन करना है। माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है दोस्तों, पदम सिंह का, हरिभाव उपाध्याय का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का, या फिर विनोबा। 22 नंबर में चयन करिए निशा जसबीर जी, माया राम जी, बताना है जल्दी से। एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई निरंतर चालू रहनी चाहिए। एग्जाम आते रहेंगे। आप लोग क्या करते हो, एक एग्जाम आया 2 महीने पढ़ लिया, 4 महीने छोड़ दिया, ज्यों का त्यों, लेकिन एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे। और सेल्फ स्टडी क्लासेस में निरंतर पढ़ाई चलती रहेगी आप लोगों की, ठीक है। निरंतर पढ़ाई करोगे तो अध्ययन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। माटी हो गई सोना, बोले सर कन्हैया के चरण पड़ गए तो हमारे घर की माटी भी सोना हो गई, कन्हैया के चरण। तो यहां पर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी नंबर। आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है, इनमें से बताइए, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर कमला कांत जी, प्रियंका यादव जी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को आपको बताना है दोस्तों, लाइक कर देना है। इतना सारा मटेरियल आपको कोई भी चैनल वाला नहीं देता, कोई नहीं देता जितना दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपको निरंतर अध्ययन करवाया जाता है। एक एक चीज को 10-10 बार पढ़ा दी जाती है ताकि आप कभी भूलो ना। ऐसी चीजें दोस्तों, एक एक चीज को कई बार रटवाई जाती है, कई बार पढ़वाई जाती है, अभ्यास करवाया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका दोस्तों बहुत कुछ होता है। प्रैक्टिस से ही आपके जो 4-5 नंबर से सिलेक्शन रुकता है वो आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आचार्य भरत के रस सूत्र आपने पढ़ा होगा, किसी को पता है तो जल्दी से एक बार रस सूत्र लिख दो। 23 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और सभी लोगों का आंसर आया कि सर भट्ट लोलट में इसमें नंबर लगा दो, ये नंबर आपका सही है। जनता जनार्दन एक ही तरफ जा रही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है, 24 नंबर का क्वेश्चन है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, भरत मुनि है, भामय है, भामा है, जल्दी से बताना। आराधना पाल जी संपर्क कर सकती हो, नीचे नंबर लिखा है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की लिंक दी है, लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर लो पहले तो, ठीक है। तो यहां पर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आपको चयन करना है। निरंतर अध्ययन करिए दोस्तों, अगर सफलता चाहिए तो निरंतर अध्ययन करिए। निरंतर अध्ययन करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, और कुछ ना कुछ क्या, बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। तो यहां पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर है कि सर अलंकार, अलंकार तो भामा साह करते हैं, अलंकार कौन करते हैं, भामा साह करते हैं, तो भामा है, यानी कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है माने जाते हैं, यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन माना जाता है, बताइए रुगा जी बताएं, राइट आंसर बताना है। राहुल राज जी क्या हो जाएगा, गैमिंग बर्ड जी, आशा जी, कटप्पा जी, बताइए फटाफट से बताइए राइट आंसर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, 25 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर हिंदी साहित्य के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि की बात करोगे श्रीधर पाठक। कोई बताएगा इनका जन्म कब हुआ था, मैंने कई बार आपको बताया है ना, इन्होंने दोस्तों जिन 3 रचनाओं का अनुवाद किया था वो रचनाएं कौन कौन सी हैं ये भी बताना है, और किसका अनुवाद किस नाम से किया है ये भी आपको बताना है। मैंने कई बार याद करवाया है, इस्तवार दाला रेतुत्र हिंदू हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है बताओ, इस्तवार दाला रेतुत्र हिंदू हिंदुस्तानी। दोस्तों सबसे पहले ये जो ग्रंथ है फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ 1939 में, ये दोस्तों ये याद कर लेना है, 1939 की 1839 में इसका प्रथम भाग, द्वितीय भाग 1847 में, और इसका द्वितीय संस्करण जो आपसे पूछा गया था 1871 में, 1871 में इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो है फ्रेंच भाषा, यानी कि आपका जो दोस्तों सी नंबर है, ये फ्रेंच विद्वान थे कौन, गार्सा दत्तासी, ठीक है। और यहां पर सी नंबर करेक्ट और राइट आंसर है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रभास, इसमें कितने सर्ग हैं, इसके लेखक भी बताना है, प्रिय प्रभास के लेखक भी आपको ही बताना है,
जल्दी से बताइए, कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से हमेशा जुड़ते रहिए। निरंतर अध्ययन के लिए दोस्तों आप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं 1200 में 12 महीने का, एक बहुत ही नॉर्मल प्राइस के लिए दोस्तों ये कोर्स रखा है, ताकि आपका भी अध्ययन चले और हमारा भी दोस्तों क्या चले, हमारा भी ये संस्थान चलता रहे। इतना बहुत ही कम प्राइज में रखा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को वो आता है कि सर इतना कम प्राइज में आपने कोर्स क्यों रखा है, तो हमें पता है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी जिस परिस्थिति से बहुत सारे साथी गुजरते हैं उस परिस्थिति से मैं भी गुजरा हूं। आप अभी 1200 में एडमिशन ले सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं और बढ़िया से बढ़िया अध्ययन यहां पर करवाया जाता है, बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करवाई जाती है, बढ़िया से बढ़िया दोस्तों हर एक चीज उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या से उपाध्याय हरिओत। ये पंजाब मास्टर कैडर में क्वेश्चन आया था पिछली बार कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यही है प्रिय प्रवास, जिसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। कोई रचनाकाल बताएगा इसका, प्रिय प्रवास का रचनाकाल भी आपको बताना है। दिगंबर में कौन सी संधि है? 28 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। शिवानी ठाकुर जी, प्रियंका यादव जी लाइक कर दीजिए, मोहित जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। डाली तिवारी जी, 9098 वाला जो नंबर चल रहा है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लो पहले तो, ठीक है। एडमिशन लेकर के अध्ययन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट संपर्क होता है दोस्तों, ये नंबर चल रहा है डायरेक्ट हमसे ही बात होगी आपकी, किसी से बात नहीं होने वाली, डायरेक्ट हमसे बात होगी। कोई भी प्रॉब्लम जाती है हमसे ही बात होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा कि जब आप बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेता आप नंबर लगाते, आपके कोई डाउट्स रहते तो आप पूछ ही नहीं पाते, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी क्लासेस में आपकी समस्या हमारी समस्या होती है, ठीक है। दिगंबर में व्यंजन संधि है दोस्तों, इसका कोई संधि विच्छेद बताएगा क्या हो जाएगा दिगंबर का, बताएं राइट आंसर। निर्विकार में कौन सा समास है? 29 नंबर का क्वेश्चन, मनीषा यादव जी, उदय जी, आशा जी, दिनेश जी, राइट आंसर चयन करना, लाइक कर दो, एक बार शेयर भी कर दो अपने साथियों तक। और मंजू जी, सोनू के एम जी, लालू लाली यादव जी, अनु शर्मा जी, निर्विकार में कौन सा समास है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सही बताया है प्रमांशु चौधरी जी ने, देख धन अंबर, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा दिगंबर और राइट आंसर 29 नंबर के क्वेश्चन में। 29 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर है सर कि 29 में जो समास है वो है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, समास मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है। तो सी यानी कि अव्यय भाव समास आपका बिल्कुल सही है। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, बताओ। यहां पर शब्द शुद्धि भी आपसे पूछ ली गई, सामाजिक, सामाजिक, समाजिक या फिर सामाजिक, तो बताएं। लाइक करना है निष्ठा त्रिवेदी जी, ममता श्रीवास्तव जी, जो यहां पर दोस्तों लाइव आप कोर्स में देख रहे हैं, आधे से ज्यादा, इतने आधे से ज्यादा साथी हैं जो एडमिशन लेकर के निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ये आधे से ज्यादा साथी, कितने साथी हैं यहां पर, एक बार हाथ उठा के पूरा समर्थन करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का कि सर हम भी लाइव क्लास में पेड कोर्स में एडमिशन लेके निरंतर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं कि निरंतर अध्ययन करिए, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन रुकना नहीं चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर 30 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया कि सर सामाजिक लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं में बताइए। यहां पर लवली ठाकुर जी, सीताराम जी, सिमरपाल जी, अर्चना लोधी जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया, रेखा जी, सुनीता जी, बाहुबली कटप्पा जी, रश्मि पाठक, शिवानी ठाकुर जी, बलजीत जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, श्वेता जी, हेमानी जी, ठीक है, संतोष जी, बिंदु लता जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जल्दी से जल्दी बता से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 31 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया और उत्तर आपका क्या हो रहा है कि सर मोटा तो है, पीला भी है, सुंदर भी है गुणवाचक, लेकिन ये 10 नहीं है, 10 नहीं है गुणवाचक, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, विजय जी, ठीक है। रश्मि पाठक जी, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, पूनम जी, वेरी गुड, जाहिद अली जी, लाइन लगी है दोस्तों,
है ना भावना गंगवार जी, बिल्कुल सही है। आराधना जी, मोहित जी, जया नितवाल जी, अनीता जी, वेरी गुड। ममता जी, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 32 नंबर का क्वेश्चन है और 32 में आपको बताना है तो उत्तर क्या हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, पूनम सैनी जी बताओ, रजनी शर्मा जी, अनुपम जी, और यहां पर उत्तर होगा कि सर बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर और राइट आंसर चला जाता है। ठीक है, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सभी लोगों को बताना है, पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करवाई जाती है दोस्तों। ठीक है, यहां पर एक सेल्फ स्टडी क्लासेस का उद्देश्य ही है कि आपकी निरंतर पढ़ाई चलनी चाहिए और हमें भी दोस्तों रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक नॉर्मल फीस के माध्यम से आपको यहां पर पढ़ाई करवाई जाती है और साहित्य की बहुत ही श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या है? 33 नंबर का क्वेश्चन और 33 नंबर में आपका उत्तर जा रहा है कि सर कृतज्ञ शब्द का सही हो जाएगा कृतघ्न, यानी कि सी नंबर। सी नंबर आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। मैं किस तरह की अशुद्धि है? अशुद्धि बताना है, किस तरह की अशुद्धि है? वाच प्रयोग की अशुद्धि है। क्या है यहां पर अशुद्धि? जल्दी से बताइए पटाख से। पुनरुक्ति की अशुद्धि, पद क्रम संबंधी अशुद्धि, संयुक्त क्रिया संबंधी अशुद्धि। महात्मा गांधी का देश, महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस प्रकार की अशुद्धि है? एक क्वेश्चन आपको बताना है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे, फटाफट से बताएंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। फटाक से बताओ, लाइक करना है जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। और ये 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोगों ने बताया कि सर ये पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कनक कनकते स्वगुणी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। कनक कनकते स्वगुणी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, यमक है, शिलेश है, या फिर उपमा अलंकार है? ये आपको चयन करना है, लाइक करना है और फटाफट से बताना है। 35 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से बताइए। 35 नंबर के क्वेश्चन में और सभी लोगों ने बताया कि सर यमक अलंकार लगा दो, यानी कि बी नंबर लगा दो, यमक बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्ण का सही विलोम क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन, संकीर्ण का सही विलोम शब्द आपको चयन करना है। विश्वास मलिक जी, सीताराम जी, तो यहां पर आपको बता दें मैं दोस्तों कि पूरे भारत से, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहां से सारे साथी इस क्लास में दोस्तों अटेंड कर रहे हैं इस क्लास को। ठीक है, और इस क्लास में तैयारी कर रहे हैं अपने अपने एग्जाम की, अलग अलग एग्जाम की। पंजाब में मास्टर कैडर, राजस्थान में आरपीएससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में टीजीटी, एलटी ग्रेड, ठीक है, नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एचपी कमीशन की दोस्तों, झारखंड में टीजीटी की। तो बहुत सारे राज्यों से यहां पर स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं। और संकीर्ण का सही विलोम क्या है? 36 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संकीर्ण का विलोम होता है दोस्तों विस्तीर्ण, विस्तीर्ण होता है, यानी कि डी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? 37 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? देखते हैं कौन कौन सही बताते हैं, जल्दी से बताइए। भाष्य से हुई है, भाष्य से हुई है, भाष्य या फिर भाष्य से हुई है। अमन जी, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर, जल्दी जल्दी से बताएं, लाइक करना है, एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं। डाली तिवारी जी, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? एडमिशन लेने से क्या होता है, एक नॉर्मल फीस आपसे ली जाती है और आप दोस्तों निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। जब क्लासें चलती हैं तो आपके मन में एक रहता है, रोज क्लास जब चलती है तो आपके मन में रहता है कि हमें रोज क्लास अटेंड करना है, एक प्रेशर रहता है और बिना प्रेशर के कुछ नहीं होता। जब आपका एग्जाम होता है तो आप पढ़ाई करने लगते हो, जब आपका एग्जाम नहीं होता तो आप पढ़ाई नहीं करते,
और जब आप एडमिशन में दोस्तों आते हो, एडमिशन लेते हो कोर्स में, तो आपके लिए प्रेशर रहता कि हमें क्लास रोज अटेंड करनी है, लाइव क्लास पढ़नी है, रोज टेस्ट लगाना हर संडे, एक वो प्रेशर रहता है, तो आप पढ़ाई निश्चित रूप से करते हो, ठीक है। तो एडमिशन का ये फायदा होता है और साथ ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलती है, रेगुलर अध्ययन चलता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए जल्दी से, नेट का पेपर सॉल्व नहीं होता। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? बहुत सारे नेट के मैंने करवा दिए, यूट्यूब पर डले हुए हैं। आशा कुमावत जी, खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या माना जाता है? सौरभ मौर्य जी बताइए, तनु जी 38 नंबर के क्वेश्चन में, और लाइक कर दीजिए सभी साथी, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बिल्कुल नितिन सागर जी है हमारे, ठीक है। राहुल जी, विजय चौहान जी, 38 नंबर का क्वेश्चन, और आपको पता कि सर इसे क्वर्बी कहा जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि इस खड़ी बोली को क्वर्बी किसने कहा, क्वर्बी नाम किसने दिया बताइए। रितेश जी, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 39 नंबर का क्वेश्चन, सरोज सीबी जी बताइए, राइट आंसर बताना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य और साहित्य समाज का दर्पण होता है दोस्तों। साहित्य को तो सभी लोग पढ़े, और साहित्य मैं बता रहा हूं कि जब से बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि सर मुझे साहित्य बहुत कठिन लगता था, जब किताब खोलते थे तो ऐसा लगता था कि अलग रख दो, रचनाओं के सन याद नहीं होते थे, रचनाएं याद नहीं होती थी, जब से सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े हैं रचनाएं दोस्तों रट गई हैं, रचनाओं के सन याद होने लगे, कवियों के जन्म क्रम याद होने लगे, ठीक है, जो कि नेट में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो 1955 में पूछा गया, 39 नंबर के लिए पूछा गया, और 39 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर बीजी खैर लगा दो, ये नंबर लगा दो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आकाशदीप कहानी संग्रह है किसका है? 40 नंबर का क्वेश्चन, पूनम सैनी जी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सभी लोग बताएं। निशा वर्मा जी, और शेयर भी कर दो सभी साथी, आकाशदीप कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे लिंक दी है ऐप की, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, डाउनलोड करें दोस्तों फटाफट से। और आकाशदीप कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? बहुत सारी कोचिंग आपने पढ़ी होगी, बहुत सारी चीजें, कई जगह एडमिशन लेकर दोस्तों आपने पढ़ाई की होगी, लेकिन सब जगह से उदास होकर जब सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में आते हैं तो दोस्तों आपको मजा आने लगता है पढ़ाई करने में, है ना। बहुत सारे साथियों के मुंह से मैंने खुद सुना है, फोन लगा के बताते हैं कि सर जब तक क्लास नहीं होती मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है, दिन में कुछ छूट रहा है, कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी संग्रह ये किसका है? 40 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, और 40 नंबर में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म 1889 में हुआ था, 1889 में। प्रसाद ने 3 उपन्यास लिखे थे दोस्तों, कंकाल, तितली और इरावती, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद भी करना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, राजा निर्वसिया बताना है, राजा निर्वसिया, सिमी टंडन जी, राजा निर्वसिया कहानी के रचनाकार कौन है ये आपको जल्दी से बताना है। तो राजा निर्वसिया कई बार पूछा गया, 41 नंबर का क्वेश्चन है। आयुष प्रजापति जी, अमिता राणा जी बताएं क्या हो जाएगा, रावंत जी, दिनेश कुमार जी, 10 तारीख तक ये ऑफर दिया गया है आप लोगों को, 10 अप्रैल तक, 1200 में 12 महीने। जिन भी एक साथियों को एडमिशन लेना है बिल्कुल भी नहीं सोचना यार, 1200 रुपए आपके लिए नॉर्मल फीस रखी गई, ऑफर दिया गया कि हमारे वो सभी साथी आ जाएं और सभी साथी पढ़ें, 5000-10000 फीस वाली कोई बात नहीं यहां पर, ठीक है। तो राजा निर्वसिया कहानी के रचनाकार कौन है, 41 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया है कि सर कमलेश्वर है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, 42 नंबर का क्वेश्चन, महीप से, गंगा प्रसाद, विमल अमृत राय या फिर राकेश भट्ट से माने जाते हैं। प्रियंका जी, रिंकू वर्मा जी, 42 नंबर का क्वेश्चन है। सुनीता चौधरी जी, सचेतन कहानी, और मैंने इसको याद भी करवाया था, ट्रिक भी बताई थी आपको, बताइए क्या ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी वो भी आपको बताना है, बताएं। राजकुमारी जी ठीक है, चयन करिए। आशा जी, प्रियंका जी, दीक्षा जी, मुनमुन जी, बुल्डोजर बाबा जी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। सचेतन कहानी 42 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा आंसर जा रहा है कि सर आपने याद किया था कि सचेत रहते थे जब माही क्या करते थे, विकेट कीपिंग करते थे, तो बल्लेबाज क्या रहते थे, सचेत रहते थे बल्लेबाज, जब माही से क्या बनेगा, महीप से,
ए नंबर ठीक है, चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? चमार की चाय, बोले सर चमार की चाय के लिए तो बेचैन है निर्मला यादव जी, ठीक है बताइए। यहां पर बनवारी लाल जी भी है राजस्थान से, बहुत बढ़िया। राहुल राज जी बताइए चमार की चाय कहानी के लेखक कौन है? संध्या शेवाजी, मुकनद जी, प्रेमांशु जी। लाइक करते हुए शेयर करिए सभी साथी, हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें, हम आपके लिए और आप हमारे लिए इसी प्रकार से जुड़े रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को बहुत बड़ा परिवार बनाना है और सभी साथियों को जोड़ना है। चमार की चाय कहानी के लेखक कौन? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो एक बार जल्दी से क्यों ना यहां पर लाइक कर दी जाए, शेयर कर दिया जाए। और हम बोले सर शिवराज से हैं बेचैन, बेचैन है चमार की चाय के लिए। डी नंबर, रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार कौन है? 44 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, शेयर भी कर दो, अपने सभी साथियों को बता दो कि 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत से आपको पढ़ाएंगे, हिंदी भाषा से आपको पढ़ाएंगे, देवनागरी लिपि पढ़ाएंगे, हिंदी साहित्य के लेखन के स्रोत पढ़ाएंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ाएंगे, भारतेंदु, द्विवेदी योग, ठीक है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ठीक है, नवगीत, साठोत्री कविता, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे, निबंध, नाटक और दोस्तों उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, इनका पूरा नंबर क्रमबद्ध आपको पढ़ाया जाएगा। रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार कौन है? ये 44 नंबर का क्वेश्चन है। और रक्षाबंधन में आपने बताया कि सर रक्षाबंधन तो विश्व में मनाई जाती है, विश्व भर में मनाई जाती है, तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये, 45 नंबर का क्वेश्चन, ये पंक्ति किसकी या किस से ली गई है दोस्तों, किस रचना से ली गई है? किरण गुप्ता जी, विवेक यादव जी बताइए, सविता जी, किस रचना से ली गई है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना है। यहां पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए, जल्दी जल्दी से बताना है, लाइक करना है फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारतेंदु जी को अपन को याद करना है। भारतेंदु जी की ये पंक्ति है, भारतेंदु जी की पंक्ति तो आप पढ़ते ही होंगे। भारतेंदु जी को पता ही है कि 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में दोस्तों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और ये जो पंक्ति ली गई है 45 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उत्तरार्ध भक्तमाल, यानी कि डी नंबर, राइट, बहुत बढ़िया। अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना कौन सी है? प्रथम रचना बताना है, प्रिय प्रभास है, प्रिय प्रभास है, जल्दी से बताएं। 46 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से, लखविंदर जी, राजकुमार जी, सीमा जी, सविता जी, अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जिनका जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1865 में जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने एक दोस्तों इनकी प्रथम जो रचना मानी जाती है कृष्ण शतक मानी जाती है, रसकलश इनकी नायिका भेद से संबंधित रचना मानी जाती है दोस्तों, रसकलश। और प्रिय प्रवास इनका खड़ी बोली, हिंदी का खड़ी बोली का दोस्तों प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसका रचना काल आपको ही बताना है, 17 सर्गों के साथ। अयोध्या से उपाध्याय हरिओत की प्रथम रचना पूछी गई तो कृष्ण शतक लगा देना, ठीक है, ये भी याद कर लेना। वैदेही वनवास भी इनका प्रबंध काव्य है दोस्तों, तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा, यहां पर उत्तर हो जाएगा कृष्ण शतक। नेक्स्ट है, खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा? 47 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। दिनेश कुमार जी लाइक करिए, एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है और नीचे लिंक दी है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप की, जरूर डाउनलोड करिए सभी साथी। खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा है? 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कल से लेकर 10 तारीख तक 10 टेस्ट दोस्तों, एक टेस्ट आपको सभी साथियों को फ्री दिया जाएगा, 10 टेस्ट सेल्फ स्टडी क्लासेस पर फ्री दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एडमिशन भी नहीं लेते तब भी उसमें आपको फ्री टेस्ट दोस्तों मिलने वाले हैं। तो कल से लेकर 10 टेस्ट आप फ्री लगा सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी उसमें उपलब्ध है। समय समय पर प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस बढ़िया आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दोस्तों बना हुआ है। एडमिशन भी ले सकते हैं और दोस्तों फ्री में भी पढ़ सकते हैं। खड़ी बोली के समर्थकों को हटी और मूर्ख किसने कहा? 47 नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर चला गया, बिल्कुल सही बताया है सविता जी, राहुल जी ने, ठीक है। कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? प्रश्न क्रमांक 48 में बताइए, 48 का क्वेश्चन है और यही प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बताओ
48 में कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया मंजीत जी, और ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था टीजीटी या पीजीटी में, कौन से एग्जाम में पूछा गया था। आशा जी, सुनीता रानी जी, सभी लोग बताएं उत्तर क्या हो जाएगा, हो जाएगा निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु, सभी साथी बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या है, कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया 48 नंबर में और उत्तर हो गया कि सर अपवर्ग पंचक तो है, दान लीला भी है, विजय बल्लरी भी है, लेकिन ये प्रेम संपत्ति लता नहीं है। तो प्रेम संपत्ति लता किसकी है बताओ, मैंने कई बार आपको बताया बाल गोविंद जी, प्रेम संपत्ति लता के रचनाकार कौन है, प्रेम ही जिनकी संपत्ति है वो कौन है, ठाकुर जगमोहन विश्वास मलिक जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जनता जनार्दन बिल्कुल बहुत होशियार हो गई आजकल। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा है दोस्तों, भारतेंदु जी जिनके नाम पर दोस्तों भारतेंदु युग का नाम पड़ा, जहां पर दोस्तों गद्य की विधाओं का उदय होता है भारतेंदु युग से ही माना जाता है, और सबसे पहले नाटक का उदय होता है, ठीक है। तो भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। रमेश जी सभी लोग बताएंगे, श्वेता जी राइट आंसर क्या है यहां पर, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कौन सा 49 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी लोगों का आंसर आया है कि सर खड़ी खड़ी हमने फूलों का गुच्छा, हमने खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया, खड़े खड़े क्या उठा लिया, फूलों का गुच्छा, तो यहां पर खड़ी बोली और खड़े खड़े फूलों का गुच्छा उठा लिया, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है, 50 नंबर का क्वेश्चन, लाल टीन की छत के नीचे आपको कैसा लगता है। अब जैसे धूप चल रही है, धूप में बहुत धूप में आए हो आप, और लाल टीन की छत के नीचे आपको खड़ा कर दिया जाए, धूप में से आए हो तो आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए राइट आंसर। जसवीर जी, विजय जी, पिंकी जी, मुकनद जी बताएं, उदय जी, रजनी बाला जी, संतोष जी, अनिल तिवारी जी कि लालटीन की छत के नीचे तो बड़ा निर्मल निर्मल लगेगा, बोले सर निर्मल निर्मल लगेगा क्योंकि हम धूप में से यहां से आए हैं, हम लालटीन की छत के नीचे गए तो हमें निर्मल निर्मल लग रहा है। तो लालटीन की छत उपन्यास किसका होगा, बोले सर निर्मल वर्मा का होगा, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद, मैं आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका प्रश्न है लालटीन की छत ये उपन्यास किसका है, जल्दी से बताना है फटाफट से, और एक बार लाइक कर दें सभी साथी, जिनको नोट्स मंगवाना है वो संपर्क करें। लाल टीन की छत ये उपन्यास किसका है बताइए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का, श्रीनिवास दास का, निर्मल वर्मा का, या फिर गोपाल राम गहमरी का, सभी लोग बताएंगे एक साथ और कमेंट जरूर करें, सभी साथी कमेंट कर लें फटाफट से, वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दो फटाक से, बहुत ही बढ़िया ये दोस्तों आपका है, जल्दी बताना है यहां पर। फटाफट से यहां पर आपसे पूछा गया लालटीन की छत ये उपन्यास किसका है, ये उपन्यास आपको बताना है, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है लालटीन की छत, अयोध्या से उपाध्याय हरिओध का है या फिर किसका है। तो अपन ने पढ़ा भी था, कल पढ़ा था कि सर ये लालटीन की छत बड़ी निर्मल निर्मल लगती है, निर्मल निर्मल, ठीक है। तो निर्मल निर्मल यानी कि निर्मल वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट देखो, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है जल्दी से बताइए, और एक बार लाइक भी करना है सभी साथी, लाइक करिए जल्दी से, नूतन ब्रह्मचारी ये किसका उपन्यास है फटाफट से, बिल्कुल निर्मल है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर उत्तर आ जाएगा कि सर अभी तक तो मैंने बाल ब्रह्मचारी सुना था, बाल, तो बाल से क्या बन जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 में हुआ था, ठीक है। हिंदी प्रदीप जो कि 1877 में दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, और आपको पता है कि इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित दोस्तों उपन्यास कौन सा है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, भागवती है क्या, देवरानी जेठानी की कहानी, आबा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 52 नंबर का है, सभी लोग लाइक जरूर करें, रतिपाल जी, लखविंदर जी, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, 52 नंबर का क्वेश्चन है, और 52 नंबर में आपने उत्तर बताया है कि सर वो उपन्यास है, अनीता जी बिल्कुल राइट, आंबा, और आंबा किसका उपन्यास है ये आपको ही बताना है।
सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी ये तो अपन ने पढ़ाई है, गौरी दत्त का है, भागवती श्रद्धा राम फिल्लौरी का है, लेकिन आबा आपको बताना है कि आबा किसका उपन्यास है, जो कि बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित है। आबा की बताना है, जिंदा मुहावरे ये उपन्यास किसका है। 53 नंबर का क्वेश्चन, जिंदा मुहावरे, छोटे लाल यादव जी बताइए, जो भी हमारे साथी टीजीटी पीजीटी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिंदा मुहावरे उपन्यास किसका है। 53 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। नासिरा शर्मा, राही मासूम रजा, अलका सराबगी, फणी सुन्नाथ रेणु, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है जिंदा मुहावरे। बताइए, बहुत बढ़िया, चित्रा मुद्गल का है, वेरी गुड, सभी लोगों ने बताया है कि आबा का चित्र बनाना है, शशि त्रिपाठी जी, बहुत बढ़िया। तो जिंदा मुहावरे ये किसका उपन्यास है, 53 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपने उतार दिया कि सर जिंदा मुहावरे का तो कोई सिरा ही नहीं है, यानी कि ना सिरा, तो ये नंबर टिक लगा दें। जनता जनार्दन कहां जा रही है, एक ही तरफ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है तो कौन नहीं है, 54 नंबर का क्वेश्चन बताना है, फटाफट से बताइए यहां पर 54 नंबर में किसकी सरकार बना रहे आप लोग, कहां जा रही जनता जनार्दन की वोट, मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन नहीं है, एक क्वेश्चन पूछा गया। बीनू सरोज जी, नोटा दबाना है, नोटा, नोटा में बताइए किसको दबाना है, नोटा, नोटा का बटन, बिल्कुल, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, बिल्कुल सही है। माया राम जी, मोहित जी, सभी लोग बताएं, और यहां पर आपने बताया कि सर जैनेन्द्र तो हैं, ईलाचंद जोशी भी हैं, अज्ञे भी हैं, नोटा दबाना है, तो बोले सर नोटा चतुर में लगा दो, चतुर व्यक्ति के लिए नोटा, ठीक है। तो जनता जनार्दन ने वोट किया है बी नंबर में और बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, ज्ञान बोध बताना है, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है और बचपन से लेकर 55 तक, ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है, बहुत सारी जनता जनार्दन यहां पर फेल होगी 55 नंबर के क्वेश्चन में, बताएं पुष्पा मौर्य जी, क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर, हरिओम जी, ज्ञान बोध के रचनाकार बताना है आपको, कौन माने जाते हैं ज्ञान बोध के, मुस्कान वर्मा जी, और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर लगा दिया यहां पर, राइट आंसर लगा दिया मलूकदास, बहुत बढ़िया, यानी कि आपका जो मलूकदास है वो बिल्कुल सही है, ज्ञान का बोध हो गया मलूकदास को, ज्ञान का बोध किसको हो गया, मलूकदास को हो गया, बी नंबर करेक्ट। नीमा किस कवि की माता का नाम है, नीमा किस कवि की माता का नाम है, रहीमदास की, सूरदास की, कबीरदास की, या फिर मलूकदास की, 56 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है, नीमा किस कवि की माता का नाम है, प्रश्न है 56 नंबर और बहुत ही बढ़िया आपसे प्रश्न पूछा गया। लाइक कर दो हमारे सभी साथी, नीमा बताया आपने 56 नंबर में, राइट आंसर बता दिया कबीर, अब कबीर की बात आई है तो इनका जन्म भी बता दो और इनकी रचनाएं भी बता दो, सी नंबर, कबीरदास का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है, 57 नंबर का क्वेश्चन है, मुकनद जी, लखबिंदर जी बताइए, आशा जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, हुसैन जी, रिंकू जी, आनंद जी, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, दादू दयाल हैं, हरिदास हैं, गरीबदास हैं, सुंदरदास हैं, कौन माने जाते हैं, लाइक करते हुए शेयर जरूर करना है, नाविक जी, सिमर पाल जी, परविंदर दारसू जी, लाइक करिए, मित्रों को शेयर भी कर दीजिए हमारे साथी। 57 नंबर के क्वेश्चन में आपने जो उत्तर लगाया है वो लगाया हरिदास, हरिदास लगा दिया, बहुत बढ़िया, यानी कि आपका जो बी नंबर है हरिदास ये बिल्कुल सही है, हरिदास राइट आंसर, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हरिदास, इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर लगा दिया। आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किससे माना है, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना, चंदायन को, मृगावती को, चित्रावली को, या फिर मधुमालती को, 58 नंबर का क्वेश्चन और आपको चयन करना है, बताओ, आचार्य शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है, और देखते हैं पूनम जी, मोहित जी, सोनू के एम जी, शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना, 58 नंबर में,
और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर मृगावती। मृगावती इसका रचना काल क्या है? मृगावती कुतुबन की रचना है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका रचना काल क्या है ये आपको बताना है। प्रीति जी पुरोहित बताइए, ठीक है बताएं। जनता जनार्दन के लिए क्वेश्चन है कि मृगावती का रचना काल क्या है? किस शब्द के एक से अधिक बार आने पर हर बार दोस्तों अलग अर्थ होने पर कौन सा अलंकार होता है? यहां पर दिया है कि किसी शब्द के एक से अधिक बार आने पर और हर बार अलग अर्थ होने पर बताना है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। 59 का आंसर और बहुत सारे लोगों ने बता दिया 1503, यानी कि मृगावती का रचना काल है 1503। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जनता जनार्दन, काफी दोस्तों होशियार हो चुकी है इस बार। 59 नंबर का क्वेश्चन बताना है, लाइक करना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो सभी साथी नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन बढ़िया सा पूछा गया है आपसे और बढ़िया सा उत्तर भी आने चाहिए आपका। 59 नंबर के क्वेश्चन में आपने बताया यमक अलंकार, यानी कि वी नंबर लगा दिया। बहुत बढ़िया, वी नंबर सभी ने लगा दिया। जब उपमेय उपमान में भिन्नता होने पर भी दोस्तों समानता स्थापित की जाए तब कौन सा अलंकार हो जाता है? उपमेय और उपमान में भी दोस्तों भिन्नता होते हुए भी समानता स्थापित की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? 60 नंबर, मैंने आपसे बोला था सभी से, क्या बोला था कि अलंकारों की परिभाषाएं याद करिए। देखते हैं किस किस ने की है। 60 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन सफल हो पाता है इस प्रश्न को लेकर के बताओ। उपमेय और दोस्तों उपमान में भिन्नता होने पर भी समानता स्थापित की जाए तब वहां कौन सा अलंकार होता है? 60 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पूजा देवी जी, मोहित जी बताइए, नीतू सोलंकी जी, और ऐसे कितने साथी हैं जिनको एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने दोस्तों की वैलिडिटी के साथ निरंतर अध्ययन कर सकते हो। हर संडे को टेस्ट होता है। साथ ही दोस्तों यहां पर आपके लिए बढ़िया सा 1200 में 12 महीने 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट है। 10 तारीख तक ये ऑफर है, 10 अप्रैल तक, ठीक है। तो यहां पर आपने उत्तर लगा दिया है रूपक अलंकार, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है। सरोज सीबी जी, अनुराग जी, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? 61 नंबर का क्वेश्चन है, अनिल कुमार जी बताइए, गुरुप्रीत जी, आशा जी, जसवीर जी, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? 61 नंबर में बताना है। आनंद जी बिल्कुल संपर्क कर सकते हो, जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है लाइव कोर्स में वो ले सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासें भी मिलती हैं, रिकॉर्डेड कोर्स भी मिलता है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, हर संडे को टेस्ट भी होता है, ठीक है। ट्रिकी वीडियो भी मिलते हैं दोस्तों, डाउट्स वाले वीडियो भी मिलते हैं। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक की रचयिता कौन है? 61 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और 61 नंबर में आपने उत्तर बता दिया है कि सर वो है राम कुमार वर्मा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है? रश्मि पाठक जी बताइए, आशा कुमावत जी, मनीषा जी, सीमा जी, क्या हो जाएगा? सीमा जी, सीलू जी, पूनम जी, राजकुमारी जी। प्रश्न क्रमांक 62 नंबर का क्वेश्चन है, राशिद कुरैसी जी बताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बताना है, नाट रचना बताना है। वंदना सोनी, रिंकू वर्मा जी, सही आंसर यहां पर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताया कि सर बकरी, बकरी इनकी नाट रचना है और बकरी की क्या करना है अपन को? सर्वे करना है, सर्वे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक कौन सा है? बताओ, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक आपको चयन करना है, नाटक आपको बताना है। अर्चना लोधी जी, बबीता जी, यदुवंशी बताइए राइट आंसर क्या है यहां पर। गुरप्रीत जी, सभी लोग बताएं, वीरेंद्र जी, गुंजा जी, सुप्रिया पटेल जी, 63 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और सीधा यहां पर आंसर जा रहा है 63 का कि सर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला जो नाटक है वो नाटक है रक्षाबंधन। रचनाकार कौन है रक्षाबंधन नाटक के? ये बी नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बी नंबर में आपको बताना है।
बताइए। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा दोस्तों नाटक छेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया, चंड कौशिक के आधार पर कौन सा नाटक लिखा गया बताएं। 64 नंबर का क्वेश्चन है पुष्पा जी, रेखा, ओम प्रकाश जी, सभी साथी जिनको भी नोट्स मंगवाना है दोस्तों वो जल्दी से नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पर। बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वो नाटक कौन सा है जो छेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। 64 नंबर में उत्तर बताना है, लाइक करना है, शेयर भी कर देना है। बलजीत जी, शिव कुमार जी, 64 नंबर का आंसर जा रहा है कि सर वो है सत्य हरिश्चंद्र, चंड कौशिक के दोस्तों छेमेश्वरकृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया ये सत्य हरिश्चंद्र है, ये नंबर आपका सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। अच्छा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, या फिर शकुंतला की अंगूठी। ये नाटक वर्मा जी के हैं, सुरेंद्र वर्मा जी के। किस नाटक में ये दोस्तों प्रश्न आया है ये आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर क्लिक करना है। जनता जनार्दन देखते हैं कहां पर जाती है इस बार। 65 नंबर कौन से क्वेश्चन की, कौन से विकल्प की, यहां पर दोस्तों क्या चल रही है बताइए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया, कमलाकांत जी ने बताया है, बी नंबर लगा दो सर, आठवां सर्ग। तो आठवां सर्ग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया गया, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। रॉबिन जी, रीना यादव जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा। इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया, तो सभी लोग आंसर चयन करेंगे। बिमलेश कुमारी जी, रितेश, बीनू जी, सुरेखा, निषाद जी, अनीता जी, गुंजा चौरसिया जी, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। कुमकुम जी, शेयर भी कर दो सभी साथी, सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को भी दबा दिया करो, ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन सही समय पर आपके मोबाइल में पहुंचेगा नोटिफिकेशन। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक आपको चयन करना है। ये रोज 9 बजे क्लास होती है, सभी लोग बताइए, जल्दी से बताना है। आठवां सर्ग का देखो, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, जब आप सर्ग पढ़ोगे, सर्ग जाओगे आठवें स्वर्ग में, स्वर्ग कर लो इसको, स्वर्ग, उस स्वर्ग में जाओगे तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी। कहां जाओगे, स्वर्ग में, स्वर्ग, आठवां स्वर्ग है ना, स्वर्ग जाना है तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, और नरक जाओगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो आठवें स्वर्ग में जाना है जब आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, ठीक है। ऐसे देखो, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक 66 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार गलत नहीं करना अनिल कुमार जी। और आपको पता है कि सर प्रथम दुखांत नाटक, दुखांत नाटक तो तब होता है जब रण में जाते हैं, कोई रण में जाते हैं, रणधीर प्रेम मोहिनी, बोले सर जब रण में जाते हैं और रणभूमि में मारे जाते हैं तो दुखांत, दुख होता है, दुखांत होता है, दुख होता है, ठीक है। तो दुखांत और दुख, रणधीर प्रेम मोहिनी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का बताइए, समास विग्रह का पद कौन सा होगा यहां पर, चरण रूपी कमल बताइए, सभी लोग बताएं। चरण और कमल, चरण पर कमल या फिर चरण में कमल, 67 नंबर का क्वेश्चन। क्रांति जी बताइए क्या है यहां पर, विवेक जी, ममता जी, चरण कमल समास में 67 नंबर का क्वेश्चन है, सभी का आंसर आने चाहिए, सभी लोग लाइक भी कर दें। और आपको पता है कि सर यहां पर उत्तर हो जाएगा चरण रूपी कमल, यानी कि ये नंबर जिन्होंने भी टिक लगाया है वो बिल्कुल सही है, ये नंबर आपका राइट आंसर है। कौन सा क्रम सही नहीं है बताओ, कौन सा क्रम सही नहीं है, कर्मनिष्ठ, अधिकरण तत्पुरुष, पुरुषोत्तम, बहुव्रीहि समास, आपाद मस्तक, अव्ययीभव समास, मंद बुद्धि, कर्म धाराय समास। तो यहां पर पूछा गया है आपसे कौन सा क्रम सही नहीं है 68 नंबर के क्वेश्चन में, तो बताएं कौन सा सही नहीं है, देखते हैं कौन कौन बताएंगे यहां पर। राखी जी, वीरेंद्र जी, आशा कुमावत जी,
सही आंसर बताना है। मंजू जी, प्रमांशु जी, सभी लोग बताएं और लाइक जरूर कर देवें, जल्दी जल्दी से शेयर भी कर दो अपने मित्रों तक। दोस्तों ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, और जिनको भी पैड क्लास में एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है। 15 तारीख से 15 अप्रैल से न्यू बैच है, ठीक है, तो पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। न्यू बैच बहुत देर में शुरू होता है दोस्तों, इसलिए इंतजार अब खत्म हो चुका है आपका 68 नंबर का क्वेश्चन में, और 68 में आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर पुरुषोत्तम ये गलत है, पुरुषोत्तम में बहुव्रीहि समास नहीं है, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाता है, जो कि आपने भी बिल्कुल सही बताया है, ठीक है। रीमा यादव जी, सी नहीं बी, पुरुषोत्तम, ठीक है। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है, 69 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं यहां पर। किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ, मुरलीधर यानी मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, दोपहर यानी कि दोपहरों का समाहार, पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कनक लता यानी कि कनक के समान लता। तो बताओ किसका विग्रह है सही नहीं हुआ है, तो आपको बताना है, बताइए 69 नंबर के क्वेश्चन में कौन कौन यहां पर सही आंसर बताएंगे, सही आंसर बताना है। पूनम सैनी जी, रजनी जी और सभी लोगों ने लगभग ठान ही लिया है कि सर हम सही उत्तर ही बताएंगे, यानी कि मुरलीधर तो सही है, दोपहर भी सही है, कनक लता भी सही है, लेकिन ये पतिव्रता पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये दोस्तों सी नंबर यहां पर गलत हो गया, सी नंबर यहां का उत्तर हो गया, सी नंबर आपका दोस्तों ये सही है, ये समास का सही विग्रह नहीं है। रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं बताओ कमलाकांत जी, रस के अंग बताना है 2, 4, 5 या फिर 6, बताइए कितने अंग होते हैं रस के, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर इंदु जी बताइए, संदीप विश्वकर्मा जी, सोनिया प्रजापति जी, रस आपने पढ़े हैं, भरत मुनि ने 8 रसों की चर्चा की है जिनमें शांत रस नहीं माने दोस्तों, है ना, 4 अलंकारों की चर्चा की है भरत मुनि ने, ठीक है। सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है कौन सा, माना जाता है रस संप्रदाय, और रस के कितने अंग माने गए ये आपको बताना है, और कौन कौन से माने गए ये भी अगर आप बता दो तो बड़ा उत्तम होगा, बड़ा ही अच्छा लगेगा। आपने बताया कि सर रस के अंग होते हैं 4, 4 होते हैं, यानी कि वी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाला आचार्य कौन है, 71 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है, 71 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों यहां पर। वाक्यम रसात्मकम काव्यम 71 नंबर में देखते हैं कौन कौन सही आंसर चयन कर पा रहा है, कौन कौन उत्तर नंबर लगा रहा है, और उत्तर है कि सर ये आचार्य विश्वनाथ लगा दो, ये बी नंबर आपका करेक्ट है। हालाते कन्हैया किसकी रचना है, हालाते कन्हैया पूछा जाता है कई बार दीपा जी, हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है, खालिक खलक है, रहीम है, अमीर खुसरो या फिर अकबर है, कौन बताएगा, जनता जनार्दन किसकी ओर जाएगी। लाइक करते रहें दोस्तों, शेयर भी करते रहें, 72 नंबर का क्वेश्चन है, 72 में आपको चयन करना है और शेयर भी कर देना है, और उत्तर आ रहा है कि सर हालाते कन्हैया है ना, सभी लोग बताएंगे हालाते कन्हैया के रचनाकार कौन है। 1200 में 12 महीने, 1200 में 12 महीने का ऑफर चल रहा है अभी आपके लिए, ठीक है, पढ़ सकते हो, निरंतर अध्ययन कर सकते हो। हालाते कन्हैया अमीर खुसरो यानी कि सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर लगाया है संतोष जी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, 73 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शेयर कर दो अपने साथियों तक दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दो। हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स के जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, अपने घर 1 सप्ताह में आपके घर नोट्स पहुंच जाएंगे बाई पोस्ट, ठीक है। तो बताएं प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन माने जाते हैं, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू बैच में आप शामिल हो सकते हैं, न्यू बैच बड़ी मुश्किल में है दोस्तों स्टार्ट हो पाता है, ठीक है, तो आप लोग शामिल जरूर हों। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, 73 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सर हमें मेरु का प्रबंध करना, मेरु, मेरु मतलब क्या होते हैं, पर्वत शिखर, तो मेरु का क्या करना है, पर्वत, ये प्रबंध करना है, तो प्रबंध की चिंता है, काय की चिंता, मेरु के प्रबंध की चिंता, तो मेरुतुंग मनोहर में कौन सी संधि है, 74 नंबर का क्वेश्चन। ओम प्रकाश जी बताइए, क्षमा नायक जी, मनोहर में कौन सी संधि मानी जाती है,
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सुनीता जी सही आंसर क्या है, कुमारी नेहा जी, मंजीत जी, सभी लोग बताएं। ट्रिक भी समाहित किए गए हैं मंजीत जी, ट्रिक भी बीच बीच में जहां जैसी ट्रिक बनती गई है तो नोट्स में ट्रिक भी निकाली गई है। मनोहर में कौन सी संधि है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपने बताया है कि सर मनोहर में संधि पूछ रहे, यानी कि आप विसर्ग संधि लगा दो, सी नंबर लगा दो, विसर्ग संधि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेह संदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, 75 नंबर का क्वेश्चन, इतने अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, व्याकरण भी है बीच बीच में, ठीक है। निस्संदेह में संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आपसे पूछा गया, नित्य धन संदेह, नेह धन संदेह या फिर नेह धन देह या इनमें से कोई नहीं, बताइए। नितेंद्र कुमार जी 75 नंबर का क्वेश्चन, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये नेह धन संदेह हो जाएगा, नेह धन संदेह। जसवीर जी बी नंबर सही हो जाएगा, यहां पर नेह धन संदेह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, सुमित्रा नंदन पंत या फिर श्रीधर पाठक ने। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 1918 से लेकर के 1936 का जो युग माना जाता है वो माना जाता है छायावाद का युग, जिसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना दोस्तों। लेकिन यहां पर छायावाद शब्द की बात हो रही है तो आप क्या उत्तर बताते हो, देखने वाली बात यह है कि जनता जनार्दन आकर कहां जाती है, किस विकल्प की ओर आगे बढ़ रही है। सोनू के एम जी बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था मुकुटधर पांडे ने, स्वच्छंदतावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था मुकुटधर पांडे ने, लेकिन छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपका बी नंबर है, जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तुलसीदास किसकी रचना है दोस्तों, तुलसीदास एक खंड काव्य है और तुलसीदास एक कवि भी हैं, लेकिन यहां पर तुलसीदास रचना पूछी गई तो तुलसीदास ये बताइए किसकी रचना है, खंड काव्य है, कई बार पूछा गया है, पूछा बताना है आपको। गीता देवी जी, सोनिया जी बताएं, 77 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए आगे बढ़ना है और तुलसीदास ये किसकी रचना है, ये भी आपको बताना है। और सीधा सीधा आंसर आपका जा रहा है कि सर ये तुलसीदास बड़ा निराला कवि था, निराला कवि था। ये बी नंबर मैंने आपको बताया है कई बार कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे दोस्तों, बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जब इनकी पत्नी रत्नावली एक बार मायके गई तो तुलसीदास से रहा नहीं गया और एक दो दिन में मायके पीछे पीछे पहुंच गए। नदी चढ़ी थी दोस्तों, मुर्दा पर बैठकर नदी पार कर गए, रस्सी सांप को रस्सी समझकर दोस्तों इनके घर में चढ़ गए ऊपर। रत्नावली ने कहा कि इतना प्रेम करते हो आप हमसे, इतना प्रेम अगर भगवान श्री राम से करोगे तो भाव सागर से तर जाओगे। तुलसीदास ने पता है क्या बोला, हद तेरी की, जिसके लिए मैंने नदी नहीं देखी, जिसके लिए मैंने सांप नहीं देखा, जिसके मेरे लिए मैंने अंधेरी रात नहीं देखी, वो ये बोल रही है। छोड़ छाड़ के तुलसीदास निकले और चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुबीर। तो यहां पर बी नंबर दोस्तों, मैंने आपसे कई बार बताया है कि सूपी काव्य धारा में क्या हुआ है कि पत्नी को दोस्तों, पत्नी को ये जो ईश्वर की पूजा की है वो पत्नी के रूप में की है, यानी कि जिस प्रकार से एक प्रेमी का प्रेमिका से, प्रेमिका का प्रेमी से दोस्तों मिलने का जो उत्सुकता होती है, जो दोस्तों उनकी वो होती है, उसी प्रकार से अगर भगवान के प्रति अगर आपकी उत्सुकता, आपकी श्रद्धा आप बढ़ जाए, तो मैंने कहा था कि भगवान स्वयं आपके दोस्तों सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी की श्रद्धा, जितना प्रेम उन्होंने पत्नी से किया उससे ज्यादा प्रेम कहीं भगवान श्री राम के उसमें लगा दिया, तो भगवान खुद स्वयं आते हैं तिलक देने, ठीक है। तो तिलक देत रघुबीर, नए पत्ते कैसे होते हैं, बोले सर नए पत्ते की बात मत करो, नए पत्ते तो निराले होते हैं, निराले होते हैं, यानी कि बी नंबर निराला आपका राइट आंसर हो जाता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है दोस्तों, 79 का क्वेश्चन बताना अनिल कुमार जी, लाइक करना है निराला, रामेश्वर, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसे कहा जाता है, तो उत्तर चयन करना है
और लाइक करना है बिल्कुल धिक धिक ऐसे प्रेम को, बहुत बढ़िया शेयर कर दीजिए जल्दी से। कमलाकांत जी, तनु जी, क्या हो जाएगा, जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा सकते हैं, और जिन भी साथियों को लाइव कोर्स में एडमिशन लेना है वो 1200 में 12 महीने के इस लाइव कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी महादेवी वर्मा को कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था 1907 में, जिनकी रचनाओं में निहार, नीरजा, रश्मि, सांदगीत, दीपशिखा और दोस्तों इनकी रचनाओं का संग्रह यामा, यामा के लिए इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल जाता है दोस्तों। साथ ही सप्त परणा भी एक इनकी रचना है, किसकी, महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की चार आधार स्तंभों में एक नाम इनका भी आता है, जिनकी एक रश्मि रचना है जो बौद्ध धर्म से प्रभावित मानी जाती है और दोस्तों सबसे ज्यादा रहस्यवाद से प्रभावित मानी जाती है, तो वो कौन मानी जाती है, महादेवी वर्मा, ठीक है। हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की रचनाकार कौन है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर कर दो अपने साथियों तक। राखी जी, आराधना जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, कुमारी नेहा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन की रचनाकार कौन है, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और इतना अच्छा हरी घास पर क्षणभर, और 80 नंबर में आपका उत्तर हो जाता कि सर अज्ञे लगा दो, यानी कि आप बी नंबर सी नंबर लगा दो, अज्ञे लगा दो, ठीक है। अज्ञे की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खय्याम की रूबाइयों का प्रभाव है दोस्तों, बताइए, यहां पर 81 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, उमर खय्याम की रूबाइयों का प्रभाव किस काव्य ग्रंथ की पंक्तियों आरंभिक पंक्तियों पर है, ये बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया राजीव मौर्य जी 81 नंबर के क्वेश्चन में, और 81 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो रहा है कि सर वो रचना है बाबरा अहेरी, वो रचना कौन सी है, बाबरा अहेरी, ठीक है, और बाबरा अहेरी की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। अज्ञे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है, श्रेष्ठतम कविता बताना है कौन सी है, बंचन के दुर्ग, असाध्य वीणा, मिट्टी की या फिर विश्वप्रिय, थोड़ा सा फटाफट से जल्दी से बताएंगे अज्ञे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है, 82 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर जा रहा है, बताइए सही आंसर क्या है, यहां पर उत्तर चला गया बी, असाध्य वीणा, असाध्य वीणा वी नंबर आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नीतू जी सोलंकी, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, 83 नंबर का क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, अज्ञे को, शमशेर, मुक्तिबोध या फिर निराला, कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, शमशेर बहादुर जी के बारे में सभी को पता है दोस्तों, और इन्हें क्या कहा जाता है, दिनेश कुमार जी कि सर कवियों का कवि कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शमशेर बहादुर को, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 84 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आलोक सिंह जी बताइए रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको चयन करना है, और सभी को पता है मैंने आपको बताया था कि एक होता है अर्थ के आधार पर, ठीक है, और दोस्तों एक होता है रचना के आधार पर, अब आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, क्या कहा जाता है, एक तो अर्थ के आधार पर पूछा जाता है और एक रचना के आधार पर पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज होते हो कि हम रचना के आधार पर बता रहे हैं या अर्थ के आधार पर बताए, तो मैं बहुत ही अच्छी ट्रिक आपको बता रहा हूं कि जब रचना के आधार पर पूछा जाए तो रचना में तीन वर्ण आते हैं, रा, चा और ना, ये तीन वर्ण आते हैं तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, सरल, मिश्र और संयुक्त, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर आठ प्रकार के होते हैं, आ से बनता है आठ और आ से बनता है अर्थ, ठीक है, आ से अर्थ और आ से आठ, तो अर्थ के आधार पर आठ है और रचना के आधार पर तीन, ठीक है, बढ़िया, ईश्वर आपको सफलता दे वाक्य है, बताओ संकेत वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, इच्छावाचक है या फिर निषेध वाचक है, 85 नंबर का क्वेश्चन है, अजित जी बताइए सही आंसर यहां पर क्या जा रहा है, सभी लोग बताएंगे, दारसु शर्मा जी 85 नंबर के क्वेश्चन में ईश्वर आपको सफलता दे वाक्य किस प्रकार का माना जाता है, लाइक करते हुए शेयर भी करना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, और यहां पर उत्तर जा रहा है कि सर ईश्वर आपको सफलता दे, ये तो कोई व्यक्ति इच्छा से ही कहता है, इच्छा से कहेगा तो सी नंबर, यानी इच्छा वाचक आपका बिल्कुल सही है। माटी की मूर्तें, इसकी विधा क्या है, इसकी विधा आपको बताना है, ठीक है, ये तो पता है आपको, इसकी रचना का राम वृक्ष बेनीपुरी है,
लेकिन इसकी विधा क्या है? विधा भी पूछी जाती है ममता जी, बताइए। प्रियंका कुमारी जी, राइट आंसर क्या है? अरुण राजपूत जी, ओम प्रकाश जी, सृष्टि ठाकुर जी, 86 नंबर का क्वेश्चन है। अपने सभी साथियों को बता दें कि 15 अप्रैल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सेल्फ स्टडी क्लासेस में हिंदी साहित्य का। दोस्तों उसमें आप अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। माटी की मूर्तें की विधा क्या है? 86 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर ये तो क्या है, माटी की मूर्तों की हम क्या बनाएंगे? बोले एक रेखा में हम माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे। ऐसा तो नहीं कि एक यहां कर दी, एक रेखा में माटी की मूर्तें स्थापित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। यानी कि आपका जो बी नंबर है रेखा चित्र सही है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान तक बताओ, आखिरी चट्टान तक ये रेखा चित्र है और इसके रचनाकार कौन है? सभी लोग बताएं, लाइक जरूर कर दें, मित्रों को शेयर भी कर दें। दोस्तों जिन भी साहित्य को हिंदी साहित्य की हार्ड कॉपी मंगवाना है, अपने घर पर नोट्स मंगवाना है, वो मंगवा सकते हैं। जिसके दो पार्ट हैं दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में पद्य साहित्य, सेकंड पार्ट में गद्य साहित्य, ये दो पार्ट में आप नोट्स आपके घर पहुंचेंगे एक सप्ताह के अंदर, ठीक है। आखिरी चट्टान तक, बोले सर मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक डटे रहे, बी नंबर। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है तो किससे माना जाता है? 88 नंबर का क्वेश्चन। तनु जी, आकाश जी बताइए, हरमिंदर जी, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? एक अच्छा क्वेश्चन। देवाणी से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से या फिर रोमन से? तो सभी को पता है देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, बी नंबर। ब्राह्मी लिपि आपका सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बताइए ये किस अनुच्छेद में कहा गया? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जाता है, जितना सरल है उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी, ये बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है? हरमिंदर जी सही आंसर, और आपका उत्तर हो जाता है कि सर भाषा से संबंधित दो जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किए गए, जिसमें अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। तो ये नंबर आपका सही है। जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है? समीक्षा कृति बताना है, साहित्य का समाजवाद, काव्य कला तथा अन्य निबंध, छायावाद, एक पुनर्मूल्यांकन या फिर मेरे गीत और कला, बताएं। शिव कुमार जी, सभी लोग बताएंगे, लाली यादव जी, आराधना पाल जी, दिया जी, 90 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की समीक्षा कृति कौन सी है? 90 नंबर के उत्तर प्रश्न में आपको उत्तर बताना है, और आपका उत्तर है कि सर जयशंकर प्रसाद की जो समीक्षा कृति आप पूछ रहे हो वो कौन सी है? कौन सा लगा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। राधिका जी, रजनी बाला जी, बिल्कुल सही आंसर लगाया कि सर काव्य कला तथा अन्य निबंध, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर वो बिल्कुल सही है। काव्य कला तथा अन्य निबंध के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। बी जिन्होंने लगाया उनका आंसर सही है, सी वाले बहते गए हैं धार में। कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है पूछा है, ये क्वेश्चन आ चुका है 91 नंबर में। बताओ कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, यानी प्रगतिवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है, ये बताना है। अनीता जी बताएं, आलोक जी हिंदी बताइए, कौन सा मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है बताएं? दिनेश वीर जी, जसवीर सिंह जी, नेहा सिंह जी, संदीप विश्वकर्मा जी, 51वें नंबर का क्वेश्चन है, सौरभ वर्मा जी, लिटिल जी, और सीधा सीधा आंसर जा रहा है कि सर यहां पर नामवार से हैं, शिवदान सिंह चौहान भी प्रगतिवादी आलोचक हैं, रामविलास शर्मा भी प्रगतिवादी आलोचक हैं, नामवार से भी हैं, कौन नहीं है? विजय देव नारायण शाही नहीं है। उत्तर चला गया डी की तरफ, डी नंबर सही है। धनवान का विलोम क्या होगा? धनवान का विलोम 92 का अकिंचन होगा, किंकर कंचन या फिर धनाढ्य होगा, क्या हो जाएगा धनवान का विलोम? मिंकी जी बताइए, परमिंदर जी, अर्चना श्रीवास्तव जी, 92 नंबर का क्वेश्चन है, धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहां पर? और सीधा सीधा क्वेश्चन है, सुनीता प्रजापति जी, लाइक करते हुए शेयर करिए, और 92 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर चला जाता है कि सर धनवान का विलोम होता है आकिंचन बताया जिन्होंने, उनका आंसर तो सही है, और किंकर बताया वो नहीं है, ये भी छोड़ो, उत्तर हो गया आकिंचन। धनवान का विलोम होता आकिंचन, तो ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर है।
किस युग में विलोम शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए। पंजाब मास्टर कैडर वाले जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है अपने घर मंगवा सकते हैं। पीजीटी पीजीटी वाले, एलटी ग्रेड वाले, एचपी कमीशन वाले, हमारे साथी उत्तराखंड एलटी वाले, जिनको भी हिंदी साहित्य के नोट्स अपने घर मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है मिस्टर जी, किस युग में विलोम शब्द नहीं है, ये 93 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 93 नंबर में आपको यहाँ पर चयन करना है और बताइए योग में पूछा गया प्रवृत्ति का निवृत्ति, बहिरंग का अंतरंग, प्रत्यक्ष का परवर्ती, या फिर पदोन्नत का दोस्तों पदावनत, बताइए कौन सा सही नहीं है। और आपने चयन किया कि सर प्रत्यक्ष का परवर्ती ये सही नहीं है, यानी सी नंबर जनता जनार्दन की ओर से सी नंबर उत्तर चयन किया गया जो कि बिल्कुल सही है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? 94 नंबर का क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है बताइए जल्दी से। लखविंदर कौर जी, प्रश्न क्रमांक 94 नंबर का क्वेश्चन है, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भयंकर। 94 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करिए जल्दी से, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। और उत्तर होगा आपका डी नंबर की ओर जा रहा है आपका उत्तर कि सर अल्प विद्या भयंकर होती है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर राइट, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी मानी जाती है दोस्तों? पहली कृति आपको बताना है कौन सी मानी जाती है, छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? छंदमाला है, छंदोर्णव है, छंदसार है, या फिर छंद विचार है? तो 95 का नंबर और बिल्कुल सही आंसर यहां पर पूछा गया है। बताएं सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि सर ये छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली जो कृति है वो कृति है अनुराग जी, वो कृति है कौन सी? छंदमाला। छंदमाला यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट है, ए नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है, छंदमाला ये दोस्तों छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति मानी जाती है। ठीक है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 96 नंबर सही आंसर है, यही चौपाई अपभ्रंश में 15 मात्राओं का छंद होता है दोस्तों अपभ्रंश में, और यही चौपाई हिंदी में कितनी मात्राओं का होता है ये आपसे पूछा गया है बताओ। चौपाई यानी चार पाई, और चार पाई को स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। चार पाई को स्क्वायर कर दो 16 हो जाएगा, यानी कि यहां पर आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट, सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? सिंहावलोकन ये किसकी आत्मकथा है? यशपाल, शेठ गोविंददास, चतुर्सेन शास्त्री, शांति प्रिय द्विवेदी। सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक कौन है? 97 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बढ़िया से क्वेश्चन पूछा गया है सुशील जी। 97 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा आंसर जा रहा कि सर सिंह, सिंह का क्या होता है? यस होता है, जंगल में सिंह का क्या होता है? यस, और सिंह से सिंहावलोकन यस होता है, तो यशपाल लगा दो यानी ए नंबर लगा दो, बिल्कुल सही है। मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है? मेरी असफलताएं योगी हरि, बाबू गुलाब राय, यशपाल, या फिर महात्मा गांधी? बोले सर गुलाब से रिलेटेड मेरी असफलताएं बहुत हैं, मेरी असफलताएं बहुत हैं, गुलाब है ना, तो याद करो यहां पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है आपको। मेरी असफलताएं आत्मकथा किसकी है? 98 का बाबू गुलाब राय, यानी बी नंबर बाबू गुलाब राय आपका सही है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार कौन है, ये जीवनी की रचना किसने की है ये आपको बताना है दोस्तों। हम आपको बता दें कि जिन भी साथियों को एडमिशन लेना हो, निरंतर अध्ययन करना है, विस्तृत पढ़ना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, ट्रिक से पढ़ना है, तो 1200 में 12 महीने के इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। 10 अप्रैल तक ये ऑफर है, 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें आप दोस्तों पढ़ सकते हैं, शुरुआत से हिंदी भाषा से आपको पढ़ाया जाएगा देवनागरी लिपि और उसके आगे के टॉपिक। तो अकाल पुरुष गांधी इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं कौन, कौन है? जैनेन्द्र कुमार, बी नंबर, बहुत बढ़िया। तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक कौन है? 100 नंबर का क्वेश्चन है, तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक कौन माने जाते हैं अनीता जी? बताएं, विद्यानिवास मिश्र है, हरिशंकर परसाई है, कुबेर नाथ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अनुज जी, बीना तिवारी जी बताइए, सरोज मंजू जी, रंजीत जी, छोटेलाल यादव जी, तुलसीदास चंदन घिसे
इसके लेखक कौन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और देखते हैं कौन कौन बता रहा है। तुलसीदास चंदन घेसे, बहुत सारे लोग गलत बताएंगे यहाँ पर, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सही बताया है कि सर ये हरिशंकर परसाई हैं, यानी